हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इट इज़ जॉब्स इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना इंडियन आर्मी की, जिन्होंने एक हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें 189 इंडियन आर्मी SSC टेक के पदों पर भर्ती होनी थी, जिसकी जो लास्ट डेट है 21 फरवरी 2019 है। क्वालिफिकेशन जो है मैं आपको वीडियो के में बताऊँगा क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी में वैकेंसीज हैं, तो वो सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नई वेबसाइट, इसका नाम है latestjobsinfo.in। और आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2019 अप्लाई 191 SSC टेक पोस्ट बाय 21 फरवरी 2019। आप हमारी जो वेबसाइट है latestjobsinfo वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि हम यहाँ पर आके अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो स्टार्टिंग डेट जो है आवेदन को भरने की वो 23 जनवरी 2019 थी, तो और लास्ट डेट जो है 21 फरवरी 2019 है। एज की बात करें तो SSC टेक मैन एंड वुमेन की ये पोस्ट है, जिसमें 20 से 27 साल की आपकी एज होनी चाहिए, और विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल की जो एज रहेगी वो 35 साल, नॉट मोर देन 35 ईयर, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी पोस्ट जो है SSC टेक की जो पोस्ट है मैन की जो है पुरुषों के लिए 175 है, वुमेन के लिए 14 पोस्ट हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री और इन एंड इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स। ऐसी यहाँ जो विडोज पर्सनल महिलाएँ होंगी उनके लिए एक नॉन टैक के लिए एक पोस्ट है और टैक के लिए एक पोस्ट है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम और बी टैक इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम से अगर उन्होंने क्वालिफिकेशन की है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पोस्ट वाइज बैच वाइज वैकेंसी दी हुई, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है पुरुषों के लिए 46, महिलाओं के लिए 4, टोटल 50 पोस्ट है। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 14, 3, टोटल 17 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 22, 2, 24 टोटल पोस्ट हैं, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है दोस्तों 44 तो पुरुषों के लिए है और 3 महिलाओं के लिए, टोटल 47 है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट है 175 और 14 189 पोस्ट है, और दो पोस्ट जो है दोस्तों वो यहाँ पर आप देख सकते हैं विडोज़ के लिए, तो यहाँ से वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो इंटरव्यू बेस पर रहेगा। इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट लिंक हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जो नोटिफिकेशन आया है वो क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है क्लिक हेयर, वो आप क्लिक करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये यहाँ का रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है आपको दोस्तों वो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है, और यहाँ से आपको राज्य अपना सिलेक्ट करना है किस राज्य से हैं आप, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके सबसे पहले, और नीचे आपको आधार कार्ड नंबर आपके पास है या UIDAI एनरोलमेंट नंबर है तो उस नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना होगा। नीचे आपको चलना है, अपना नाम, फादर का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के, और यहाँ पर ये टिक कर देना है, और सबमिट करके आपके पास लॉगिन आईडी मिल जाएगी और पासवर्ड, जिसको आपको दोबारा से यहाँ पर लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड और ये कैप्चा दिया हुआ कैप्चा डाल के अपना लॉगिन करके यहाँ से, और आप इसमें आवेदन जो है वो कर सकते हैं। बात करते हैं ऑफिशियल साइट की, ये इनकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये कैप्चा डालना होगा दोस्तों, उसके बाद एंटर वेबसाइट में क्लिक करके तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे, और ऐसे करके आप इसमें आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसकी जैसी ही मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बारे में भी हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, कैसे आप अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।